हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, जिसके बाद आपको ये डिफरेंसेज ना याद नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद ब खुद आप लिख सकते हो। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे एक पार्टिकुलर कंपनी के सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। सारी ट्रांजेक्शन मतलब अगर कंपनी ने कोई एसेट्स बेचा, उससे प्रॉफिट हुआ, उसे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। कोई एसेट्स बेचने से लॉस हुआ, आप उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हो। कंपनी ने इनकम टैक्स पेड किया, आप उसको भी रिकॉर्ड करते हो। कंपनी ने GST पेड किया, उसको भी आप रिकॉर्ड करते हो। इसके अलावा कंपनी ने अपने गुडविल को राइट ऑफ किया, या वेरियस अदर ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट के सेल से मतलब नहीं है, उसको भी आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट, अब सपोज मेरे पास सिर्फ पेन है, मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरे कंपनी में सिर्फ पेन ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड के अदर्स खर्चे जैसे रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सारे खर्चे जो इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो अब इसमें डिफरेंसेस कैसे आएंगे? डिफरेंसेस फर्स्ट क्या आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है ये हमें बता सकता है, बिकॉज हम इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के हम कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बता सकता, वो ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बता सकता है। लेकिन अब इसके कॉस्ट हमें मालूम है, तो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग ये हमें मालूम चल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप एनालिसिस कर सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, फिर आपको खुद ब खुद डिफरेंस आ जाएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले पर्पस क्या है, मैंने आपको पर्पस बता दिया। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एज ए जनरल वे, कि एक पार्टिकुलर बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस क्या है इसके बारे में बताता है इन जनरल सेंस। इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए बिजनेस टू ओनर्स एंड अदर आउटसाइड पार्टीज। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को और किस तरीके से हम किसी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम काम करते हैं। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर कैप्ट सच ए वे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट बनता है, और इनकम टैक्स में भी आप जब इंटर में आओगे तो आप वहाँ पढ़ोगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर अकाउंट्स आर जनरली कैप्ट वॉलंटरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, बट नाउ कंपनीज हैव मेड इट ऑब्लिगेटेड टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन सम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब मोस्टली क्या है, बहुत कम ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, कुछ मतलब बहुत कम कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज के लिए ऑप्शनल है। और सेकेंड थिंग, मैं आपको एक चीज और बता दूँ, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है वो एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए, उसमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उसी फॉर्मेट के थ्रू आपको मेंटेन करना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ना फॉर्मेट नहीं है कुछ, वहाँ पे सिर्फ आइटम्स के नाम मेंशन है, आपको उतने आइटम्स के लिए डिटेल्स मेंटेन करने हैं, किस तरीके से मेंटेन करना है ये आपके ऊपर फ्री हो, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कॉस्ट अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्ड क्या करता है, इट classify, record and analyze the transaction in a subjective manner. That is according to the nature of expenses. और मैं आपको बता दूँ, recording है सारे transaction को record करता है, financial transaction हो जिसमें खर्चे हो रहे हों, products related नहीं भी हो रहे हो उसको भी ये record करता है। But cost accounting सिर्फ products related किसी भी expenses को record करता है। It record the expenditure in an objective manner. That is according to the purpose of which the cost are incurred. मैंने आपको बताया, जैसे मैं पेन की कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो पेन के रिलेटेड ही सारे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा या और खर्चे को नहीं रिकॉर्ड करेगा। कंट्रोल, इट ले इम्पैसिस ऑन द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस ऑन कंट्रोल।
इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विच आर हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट एंड कंट्रोल। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोलिंग के लिए कोई मेथड ऐसा है नहीं। हाँ वहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक लगाते हैं जिससे हम एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन का काम हम चेक कर सकते हैं कि पहले वाले ने जो काम किया सही किया या नहीं किया, वहाँ इंटरनल चेक होता है। बट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर पर्सन की इफिशियंसी क्या थी। हम प्रोडक्ट वाइज प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंट वाइज हम इफिशियंसी को मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंट कॉस्ट को मालूम कर सकते हैं, और जिससे हम कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी कोई डाटा नहीं प्रोवाइड करता। पब्लिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग इट रिपोर्ट ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है, रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। इफ कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट, वहाँ पे आप सीधे परचेज कॉस्ट डाल देते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाल देते हो, वहाँ पे टोटल डालते हो। यहाँ पे हम ब्रॉकअप करते हैं वेरियस पार्ट्स में, मेटेरियल का खर्चा कितना हुआ, लेबर का कितना हुआ, ऑपरेट कितना हुआ, मेटेरियल को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितने थे, इनडायरेक्ट मटेरियल कितने थे, इस तरीके से भी हम उसको डिवाइड करते हैं वेरियस पार्ट्स में। लेबर को भी एक तो हमारा कैजुअल लेबर होता है उसको हम अलग दिखाते हैं, जो हमारे फिक्स एम्प्लॉय होते हैं सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं या सैलरीड लेबर्स होते हैं वर्कर्स होते हैं उनको हम अलग दिखाते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा हम कुछ करते नहीं। इन्फॉर्मेशन, ये मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों को इंक्लूड करते हैं। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग है डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो एक नॉन मॉनेटरी है उसको भी, नोशनल कॉस्ट इंटरेस्ट, एक हमारा सपोज मेरा खुद का बिल्डिंग है, अब मैं अपनी बिल्डिंग का मैं रेंट अपने में ऐड कर रहा हूँ कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज नोशनल कॉस्ट, जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, जो आपके किसी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं मिलेगा, बट हम उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो नॉन मॉनेटरी खर्चे भी आते हैं यहाँ पे फिगर्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स डील मेनली विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर, कॉस्ट अकाउंट डील विद पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एस्टिमेशन के बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग मैक्सिमम काम करता है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर पे काम करता है। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस है। अभी और भी बहुत सारे डिफरेंस मिल जाएंगे आपको बुक में, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 8 to 10 डिफरेंसेज याद करना है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स का ही आ सकता है, 8 to 10, और 8 to 10 के लिए 8 to 10 डिफरेंस सफिशियंट है। ठीक है, आप 20-30 डिफरेंसेज आप लिख दो, उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपने 8-10 डिफरेंसेज लिखे, इस तरीके से लिखे हुए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको दिया है, तो आप इजीली आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।